बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शेफ़ रमीज़ ख़ान। आज हम एक और स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, साग पालक। हमने पालक के पत्ते तोड़ लिए हैं और इसको पानी के अंदर भिगो दिया ताकि इसकी अच्छी तरह से मट्टी निकल जाए, और ये वॉश करके फिर हम आपको रेसिपी दिखाते हैं कि हम ये कैसे बनाएंगे। हमने इस पालक के पत्ते तोड़ के इसको वॉश करके इसको हमने डीप फ्रीज़र कर दिया था और अब गर्म पानी किया है और इसके अंदर अब हमने पालक शामिल किया है और इसमें ये हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, खाने का सोडा मीठा वाला, वो हम इसमें डालेंगे। अब हम उबलते हुए पानी में से पालक और साग अपना निकाल लेंगे सारा। इसके बाद आगे आपको बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। सारा साग और पालक निकाल लेंगे हम इसमें से और ये पानी फेंक देंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये 3 गड्डी साग और 1 गड्डी पालक था, और ये बॉईल करने के बाद इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है, ये बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है। देखें, धुआं निकल रहा है इसमें से गरम गरम। हमने लिए एक मिट्टी की हांडी, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑयल अंदाज से अपने। इसको गरम होने देंगे हम थोड़ी देर। इसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, हमें ये प्याज ब्राउन नहीं करनी, दोबारा कर हम ये प्याज बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, हमें पिंक पिंक रखनी है। हमारी प्याज पिंक हो चुकी है, अब ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर और पकाएंगे तो। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन अदरक के 2 चम्मच। इसको हम 2-3 मिनट इसको थोड़ा भूनेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करने वाले हैं हम हरी मिर्च। हमने इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर दी है 3 से 4, आप अपने हिसाब से डालिएगा इसके अंदर। 3-4 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साग और पालक जो हमारे पास पहले से ही बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ है। इसको हम अच्छी तरह से इसको सारा ऑयल इसमें जब्स करेंगे, सारी प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च इसमें शामिल हो जाएगा अच्छी तरह से। मिक्स कर लिया है और गरम तेल में थोड़ा ये फ्राई भी हो गया है। अब इसके अंदर हम छोड़ेंगे थोड़ा सा पानी, रुकें। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 गिलास पानी। पानी इसके अंदर हमें कम नज़र आ रहा था क्योंकि हंडिया है मिट्टी की, तो हम इसमें एक गिलास पानी और डालेंगे ताकि अच्छी तरह से पके। इसमें इसको हम ढक के पकाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह से पूरा कवर कर देना है। आप देखें, साग हमारा बस तैयारी पर है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं साग को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। हमने इसमें पानी डाला था ताकि पालक और साग गल जाए अच्छी तरह से हंडिया के अंदर मिट्टी की, पर अब इसको अभी और थोड़ा पानी इसका ड्राई करना है और इसको हम दोबारा ढक देंगे। नाज़रीन, अभी हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मक्खन डाला थोड़ा सा, और अब हम इसमें डालेंगे लाल वाली मिर्चें जो हम अपने साग और पालक के अंदर ऐड करने वाले हैं। साग और पालक की कंडीशन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम मक्खन का भगाड़ डालेंगे और हरी मिर्चों के लाल मिर्चों के साथ डालेंगे, सॉरी।
अब हम इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट और ये हमारा साग और पालक रेडी है।